बेटा गुड आफ्टरनून वंस अगेन, होप यू विल बी फाइन। नाउ इट्स करंट अफेयर क्लास एंड द लास्ट टू डेज ऑफ जून मंथ 2020, 29th जून एंड 30th जून। तो आज का करंट अफेयर्स दो डेज है और हो जाएगा आराम से। 29 जून और 30 जून का अखबार या अन्य जितने भी साधन हैं वो सबसे न्यूज़ क्या बना उस पर बात करेंगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ तो बहुत होता है पर हमें अपने न्यूज़ पर ज़्यादा ख्याल रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड जीएस फाउंडेशन क्लास है, करंट अफेयर्स की है। 29 जून और 30 जून के ऊपर बातचीत होगी। हमारी बात जो चल रही थी 28 जून एंड हो चुका था और 29 जून में एंट्री ले चुके थे, तो जो एंट्री ले चुके थे उसके संदर्भ में बात करते हैं। हमने क्या कहा था आपसे उसको गौर फरमाइएगा। हम बात कर रहे थे 29 जून को 2006 से प्रशांत चंद्र महाल नोबिस, जो भारत के बहुत ही बड़े सांख्यिकी के विद्वान सांख्यिकी विद हुए, जिन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया था 1931 और 1950 में, उनके जन्मदिन को लेकर हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये 20 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, जबकि ये नेशनल है 29 जून को। 29 जून को इनका जन्म होता है तो इसलिए 2006 से ये मनाना शुरुआत हुई। सेकेंड फाइव ईयर प्लान महाल नोबिस ने ही दिए, जो हैवी इंडस्ट्री मॉडल कहलाता है। इन्हें भारत के पंचवर्षीय योजना का जनक, इन्हें भारत के प्लान मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फाइव ईयर प्लान कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जबकि योजना आयोग जब काम कर रही थी ना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो उससे क्या कहते हैं प्लानर ऑफ फाइव ईयर्स प्लान, वो अलग क्वेश्चन, ये अलग है। तो इनको हमने क्या कहा, पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार, पंचवर्षीय योजना का फादर एंड प्लान मैन ऑफ इंडिया, भारत का योजना पुरुष, तो प्रशांत चंद्र महाल नोबिस। और इन्हीं के वजह से भारत में स्टेट्स डेवलप होने की वजह से 1951 में एंड देन 1959 में जो है फाइनली कंप्यूटर डेवलप्ड हो गया। बात समझ आई? तो ये चीज है। चलिए तो याद रखिए एनएसएसओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और जो स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह क्वेश्चन खूब आता है, यकीन मानिए 10 ईयर्स पलट के देखिए तो प्रशांत चंद्र महाल नोबिस आपके लिए 4-5 क्वेश्चन के मालिक हैं। और यही प्रशांत चंद्र महाल नोबिस जो हैं, इनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी सेटअप हुई थी ऑन नेशनल इनकम। तो महाल नोबिस कमिटी फाउंडेड ऑन या सेटअप ऑन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पर गठित कमिटी का क्या नाम था, महाल नोबिस कमिटी, ये याद रखिएगा। तो ये महाल नोबिस साहब का इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जापान के लिए हमने बात की कि यहां पर है फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जिसको COVID-19 बीमारी के रिसर्च में लगाया गया है। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए जापान इस क्षेत्र में आगे आया है। फिर हमने आपसे कहा था कि इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर हुआ जिसका नाम जो था वो है आपका क्या कहते हैं सर रॉबर्ट पेल, जो घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक से अगर मिला ले तो। अब उसके बाद हमने आपको कहा था नेक्स्ट जो बात करनी है, एज यू नो दैट बंगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट बंगाल, और हम बात कर रहे हैं 29 जून का इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा। बंगाल में जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ। वन साइड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड अनदर साइड ईस्ट इंडिया कंपनी इन द लीडरशिप ऑफ यू नो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का षड्यंत्र भी था जिसमें मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का मीर बख्शी सेनापति था वो एक्चुअली मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो 23 जून को ये लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला भाग निकला, ठीक है। अब देखते हैं 29 जून को
ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब अपॉइंट किया। 29 जून मीर जाफर अपॉइंटेड नवाब ऑफ बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पलासी। और 6 या 7 जुलाई को सिराजुद्दौला को देखते हैं जंगल में पकड़ लिया जाएगा और वाइफ लुफ्तुनिशा समेत मीर जाफर के बेटे मीरन के कहने पर अहमद बेग हत्या कर देगा, गला काट देगा। तो ये चीज है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन पे है। एजुकेशन पे हम बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो खुद एक अच्छे साहित्यकार हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, जो उत्तराखंड के बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और वो फिलहाल हमारे जो हैं एचआरडी मिनिस्टर हैं, और उन्होंने एक पोर्टल दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे पूरे नेशनल लेवल पे एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन से, दीक्षा पोर्टल, जहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा दी जाती है। उसी को देखते हुए एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी केजरीवाल की सरकार, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट जो एक यूनियन टेरिटरी है, ने भी अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है लीड। लीड मतलब लीडर, जो आगे लीड करे। तो लीड पोर्टल दैट लॉन्च्ड बाय एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट्स एचआरडी मिनिस्ट्रीज लॉन्च दीक्षा पोर्टल। फ्रॉम दिस लीड पोर्टल नंबर ऑफ एजुकेशनल आइटम्स कैन बी डाउनलोडेड, इवन द सिलेबस, एंड देर आर मोर एंड मोर थिंग्स एंड ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब आइए अगला है टैक्स डिस्प्यूट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टैक्स डिस्प्यूट। आप भी जानते हैं कुछ टैक्स हमारे हैं जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है, और बहुत सारे टैक्स पे। इन दैट रिस्पेक्ट ध्यान देना है, यू नो एवरी वन, सबका विश्वास विवाद समाधान, सबका विश्वास विवाद समाधान, इट इज टैक्स रिलेटेड, ठीक है, ए स्कीम दैट इंट्रोड्यूस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दोज आर इन कंसर्न ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, बोथ आर एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, एनी डिस्प्यूट अबाउट इट्स अमाउंट ऑफ टैक्सेस, एनी डिटेन टैक्सेस, पेंडिंग टैक्सेस, कम टू दिस स्टेज एंड सॉल्व इट देन एंड देयर। तो याद रखिएगा, सबका विश्वास विवाद समाधान योजना, जो केंद्र सरकार की सेवा कर और उत्पाद कर से जुड़ा है, अगर किसी का कोई विवाद है टैक्स को लेके, तो ये आए और अपना विवाद सुलझाएं, देन एंड देयर हो जाता है, जिसका 31 मार्च लास्ट हो रहा था, बढ़ा के 30 जून किया, अब इसको बढ़ा करके आगे कर दिया है, और अब जो है ये आपका नवंबर तक है, अपने विवादों को सुलझाइए। तो ये ध्यान में रखना है कि ये है क्या सबका विश्वास, ठीक है, विवाद समाधान योजना, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, इंडियन माउंटेन स्ट्राइक कोर्ट सेटअप इन 2013। अभी चाइना के साथ एक लंबा विवाद जो चला है, जिसकी वजह से एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, इंडियन माउंटेन कोर्ट। हमारे मिलिट्री की एक स्पेशल डिजाइंड फोर्स जो पहाड़ों में युद्ध की कला से निपुण है, जिसकी स्थापना 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के समय में की गई थी, पर उसका स्थापना तो हो गया, पर उसको इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड, डेवलप्ड नहीं किया गया, बट लेटर ऑन इट्स डेवलप्ड। आज हमारी माउंटेन कोर आर्मी जो है वेल मेंटेन्ड, इक्विप्ड, एडवांस्ड आर्मी है, इट इज वेरी फास्ट इन गोरिल्ला वॉर, इन माउंटेन वॉर, सो इट विल बी प्रेशराइज्ड टू बी चाइना, and numbers of battalions deputed in this Chinese border, that's a specialist of the mountain war, so that's called mountain corps, it is a part of India's military. Point clear? Ye sawal banega is baar. Next, as you know that COVID-19 ke bimar hone par insaan ke bahut sare symptoms hain, jaise ji michlana,
जिसको गिड्डी कहते हैं, जी मिचलाना, उल्टी जैसा आने की इच्छा, जी मिचलाना, उल्टी, वॉमिटिंग टेंडेंसी, डायरिया, दस्त, नोज सीजनिंग, तो वो नोज नाक बहना, टायर्डनेस थकान, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना ये भी है, हेड एक यानी सिर में दर्द बना रहना, लैक ऑफ स्मेलिंग यानी सूंघने की शक्ति कम हो जाना, जीभ पे टेस्ट का पता ना चलना, सांस की प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट होते जाना, ये सब बहुत सारे लक्षण उभर कर इसके आ रहे हैं डे बाई डे, तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जो हम लोग तिल के लड्डू खाते हैं और शनि देव को तिल का तेल चढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में जो तिल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और इसलिए महाराष्ट्र के खान पान में इडेबल ऑयल खाद्य तेल के तौर पे तिल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। बाकी उत्तर भारत में सरसों उत्पादन करते हैं तो सरसों का ज्यादा प्रयोग होता है, सनफ्लावर भी होता है, और साउथ इंडिया में नारियल का उत्पादन ज्यादा, तो वहां कोकोनट ऑयल केरल तमिलनाडु में अच्छा खासा, कर्नाटक में यूज होता है, तो जहां जो है उस चीज का यूज होता है। समझ में आई बात? तो आई एम टॉकिंग अबाउट काला तिल। काला तिल में मैग्नीशियम बहुत है, फैटी एसिड भी है और फाइटोस्ट्रॉल भी है, ठीक है, लिगान भी है, ये सब ब्लड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी तिल के लड्डू खाने से, तिल का तेल भोजन में यूज करने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित रहता है, ऐसा, क्योंकि तिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, फैटी एसिड और फोटोएस्ट्रॉल और लिगान नाम की चीजें पाई जाती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने ये देखा कि तिल का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में शनि देव हैं, बहुत बड़ा शनि मंदिर है, शनि शिंगणापुर अहमदनगर में, शिरडी साईं बाबा के पास ही 10-12 किलोमीटर के डिफरेंस पे है, तो स्वाभाविक है वो तिल का तेल चढ़ाएंगे। हम बिहार के हैं, हम देवताओं को सरसों का तेल चढ़ाएंगे, बात समझाए, कोई तिल का चलाएगा, तो ये चीज़ें। अब यही चीज़ें जो है मेडिटेरियन सी में जाइए तो ऑलिव ऑयल चढ़ाएंगे वो लोग, क्योंकि वहाँ ऑलिव की खेती ज़्यादा होती है। तो एवरी थिंग डिपेंड अपॉन दैट क्लाइमेट, ज्योग्राफी। अब आइए, आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम आपको ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लगभग 44 वर्ष के बाद एक चिड़िया फिर से देखी गई है। इसका नाम है फिंस वीवर। याद रखिए इसका नाम क्या है, फिंस वीवर। वीवर मतलब बुनना, तो फिंस वीवर नाम है। ये चिड़िया है, बर्ड, छोटी सी चिड़िया है, इसी को हम और आप क्या कहते हैं, बया। और चूंकि पहाड़ी रेंज है उत्तराखंड, तो पहाड़ी बया। ये बया साधुओं के कमंडल जैसा घोंसला बनाती है, बबूल के पेड़ पर ज्यादा बनाएगी, शहतूत के पेड़ पर भी बनाती है, और घोंसला इतनी फाइन निटिंग होती है घास से, बहुत ही अच्छी। कभी कभी दो घोंसले एक साथ ज्वाइंट होते हैं, दो मंजिला मकान की तरह, और उसमें दो छेद होते हैं घुसने के लिए। जितना बेहतर ये चिड़िया घोंसला बनाती है, उसका मतलब ये हुआ घोंसला बनाता कौन है, बनाता कौन है, मेल बनाता है। किस लिए बनाता है? जितना बेहतर घोंसला बनाएगा वो इंडिकेट करेगा अपने फीमेल को कि मैं तुम्हारी रखवाली अच्छे से करूंगा, मैं इस कला में निपुण हूं, और इस तरह से वो अट्रैक्ट करता है अपने फीमेल को। और बया जो फीमेल होती है वो उसी घोंसले में वास करती है और उसी पुरुष बया के साथ जाएगी, नर बया के साथ, जो सबसे बेहतर घोंसला बनाता है। तो फीमेल इज ऑलवेज चूजिंग, वो हमेशा चूज करती है। मेरी माँ भी, हमारी माँ भी, हम सब की माँ भी, जो भी संतान वो पैदा की हैं, उनका वो बेस्ट चॉइस था। हजारों लाखों करोड़ों स्पर्म्स में से एक को वो रिसीव की थी अपने ओवल में, वो एक ही क्यों, क्योंकि वही उनकी पसंद थी। तो आई एम द वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माई मदर, तो मैं अपनी माँ का सबसे चहेता हूं, ये याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो फीमेल चूजी होती है, ये आपको बायोलॉजी साइंस भी बताता है, और आपको इस बात को समझना होगा।
इसलिए मां की नजर में हर संतान बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, याद रखिए, ठीक है ना। तो याद रखना है ये बाया पक्षी 44 साल गायब रही पूरे उत्तराखंड में, फिर मिलने लगी है। इसको वीवर, फिंस वीवर किसने नाम दिया? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। रिमेंबर ये थोड़ा येलोइश होती है और गले पे ब्राउनिश होती है, बहुत छोटा पक्षी होता है, और ध्यान दें इन्हें नाम किसने दिया। तो एसएससी में एक सवाल पूछा था, वही सवाल फिर बीच में आ जाएगा, पर आप देखिए नाम किसने दिया। आप तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उर्फ इंडियन नेशन कांग्रेस जो आज है उसका पुराना नाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यानी कांग्रेस पार्टी का जो फाउंडर था एलन ऑक्टावियो ह्यूम, एलन ऑक्टावियो ह्यूम, HUME ह्यूम, जिसे आप AO ह्यूम कहते हैं, जो एक अंग्रेज थे, भारत में सिविल सर्वेंट थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डिप्टी कलेक्टर से रिटायर्ड हुए थे, वो एक ओरिंथियोलॉजिस्ट भी थे, ओरिंथियोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक भी थे, राइटर भी थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, सिविल सर्वेंट भी थे, और कांग्रेस के फाउंडर भी थे। तो AO ह्यूम पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस पक्षी का नाम फिंस वीवर रखा था। और एसएससी में मेरा ख्याल है 2013 या 14 में बढ़िया सवाल पूछा था कि इनमें से कौन एक पक्षी वैज्ञानिक है, यानी पक्षी वैज्ञानिक था तो AO ह्यूम, ये कौन सोचेगा। तो जब डिटेल पढ़ते हैं कोई चीज तो समझ में आता है। अब गूगल पे जाइएगा मिल जाएगा, ठीक है ना, गूगल पे जाइएगा मिल जाएगा, तो ये याद रखिए। तो पक्षी वैज्ञानिक, बात समझ आ गई। तो वही कहा ये चिड़िया के बारे में, और इसी चिड़िया के संदर्भ में हम बात करना चाह रहे थे। ये चिड़िया एक्चुअली गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, थोड़ा नेपाल भूटान में भी मिलती है, पर चलिए फिर से देखी गई आफ्टर 45 years। 150 वर्ष के बाद एक सांप देखा गया है असम, ठीक है ना, किलविल ऐसे कुछ नाम है। बहुत सारी चीजें रिवाइव हो रही हैं जो 10 साल 25 साल 50 साल 100 साल गुम हो गया था। ये कोरोना बहुत कुछ को लेके आया है, नो डाउट। अब जरा ध्यान दीजिए, उत्तराखंड की बात किया, अब हम बात करते हैं, ध्यान देंगे, फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी AO ह्यूम, हाँ, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स, बॉटनिस्ट, ठीक है, ओरिंथोलॉजिस्ट एंड फादर्स ऑफ इंडियन ओरिंथोलॉजी, एंड हु ही गेव द नेम फिन वीवर्स। ध्यान देंगे, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? AO ह्यूम को कहते हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकस्ट, यू नो लॉकस्ट, टिड्डा जो धूम मचाया हुआ है, कहां? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड प्रेजेंटली इन इंडिया, यू नो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, टचिंग पंजाब, साउथ दिल्ली, यूपी नॉर्थ, एंड देन गोज टू बिहार इन वेस्ट चंपारण एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड टचिंग टू बी झारखंड बट नॉट क्रॉसिंग इट। So these are the states of India and Maharashtra to touch it. These states are in India, okay, impact from locust attack. So Delhi bhi aur Bihar bhi. So dhyan de, Delhi wale jitna hai yaad rakhiyega, UP wale jitna hai yaad rakhiyega, Haryana wale jitna hai yaad rakhiyega. Ye sab to hamare jo log hai sabko malum hai ye sab state mein aur locust ka hamla hua hai. Aur Bihar wale yaad rakhenge, वेस्ट चंपारण, पटना, जहानाबाद, अलवर, मधुबनी, गोपालगंज, ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर इफेक्टेड फ्रॉम लॉकस्ट, बट नॉट सो मच बैडली, बट समथिंग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट त्रिपुरा, ध्यान दें, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन 2013 के एसएससी के पेपर में आ चुका है, और ध्यान से सुनिए। त्रिपुरा हमारा एक राज्य है, उस राज्य में हमारे एक हिंदू फेस्टिवल है जो 7 days मनाया जाता है,
उस फेस्टिवल का मकसद होता है ये जो नश्वर शरीर है उसके पाप को समाप्त करने के लिए ये पूजा होती है। हमारा जो शरीर जो डिफरेंट सीन करता है, पाप करता है, आध्यात्मिक हिसाब से जो चीजें पाप हैं उसको जो हम भोग रहे हैं उससे मुक्ति चाहिए अगले जन्म के लिए। तो पाप, नश्वर शरीर के पाप से मुक्ति के लिए 7 दिन की एक पूजा होती है जो हिंदू धर्म की पूजा है, लेकिन आजकल सभी धर्म के लोग इसे मनाते हैं त्रिपुरा में, और पूजा का नाम है खर्ची पूजा। खर्ची, खर्च जो करते हैं, खर्ची पूजा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन SSC 2013। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, बहुत जगह असम लिख देगा, आई एम सो सॉरी, नो। अब आइए जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर में हमारी एक 7 साल की बिटिया रानी है, बहुत प्यारी, और उसका नाम भी बहुत प्यारा है, ठीक है, नाम है जन्नत। और जन्नत पिछले 2 साल पहले ही, जब वो 5 साल की थी, तो कसम खा ली थी कि डल झील को साफ करके रखेंगे, क्योंकि डल झील में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। और डल झील सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है, इट इज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीरी पीपल, लाइक झेलम। तो झेलम एज ए रिवर, डल लेक एज ए लेक, लाइफ लाइन ऑफ आवर कश्मीरी पीपल, श्रीनगर के वैली के लोगों का लाइफ लाइन है। पूरी इकॉनमी उस पर चलती है, चाहे वो टूरिज्म हो या एग्रीकल्चर हो या रहने के लिए हाउस बोट मकान हो या फिर कश्मीर की पहचान हो, तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। उसका पॉल्यूशन टूरिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करेगा, रहने की स्थिति में नहीं होंगे, फिशिंग खत्म हो जाएगी, और एक वो गंदा तालाब बन के रह जाएगा, और इस तरह से उनकी इकॉनमी डैमेज हो जाएगी। सो डेफिनेटली डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीरी पीपल, एंड 5 years आवर डॉटर लाइक जन्नत पिछले 2 वर्षों से अपनी स्थिति में जितना होता है एक अभियान चलाई है, मिशन डल लेक टू क्लीन डल लेक, और वो नाव पर बैठ करके पूरी सफाई करती रहती है, जहाँ जो कचरे वचरे पाए, बंदूक वगैरह जो कुछ, बंदूक ने वो क्या कहते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें लोग फेंक देते हैं, और भी जो भी चीज़ें, सफाई करती है। कहाँ से इंस्पिरेशन हो? अपने पिता से देख करके। आज जन्नत की बात मन की बात में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी भी करते हैं। तो ये है हमारी जन्नत, जन्नत की जन्नत, 7 वर्षीय जन्नत मिशन डल लेक में लगी है पिछले 2 वर्ष से, वो 5 वर्ष की है। तो बेटा उम्र कहीं बाधा नहीं होती, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं अगर आप सत्य काम में लगे हुए हैं। तो ये है मेरी जन्नत, ठीक है। अब आइए हैदराबाद के एक स्कूल की पुस्तक में पाठ्यक्रम में जन्नत को एक विषय के रूप में पढ़ाने की शुरुआत की है। क्यों चर्चा में आई जन्नत? तो इसलिए हैदराबाद के एक स्कूल के सिलेबस में एक चैप्टर में जन्नत का जिक्र हुआ है, एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, यह है हमारी जन्नत। नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अगेन उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से एक सवाल, जुडिशियल कैपिटल उत्तराखंड का नैनीताल है, सबको मालूम है, और पार्लियामेंट्री कैपिटल जो है देहरादून है, एंड समर कैपिटल जो है होने जा रही है, हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुका है, होने क्या, गैरसेन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। नाउ उत्तराखंड हैज 3 कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल नैनीताल जहां हाई कोर्ट है, देहरादून में ना तो बेंच है ना हाई कोर्ट है, और देहरादून कैपिटल है, या कह लीजिए इसको तो जनरल कैपिटल, और जो समर कैपिटल होगा वो गैरसेन है, वहां भी पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी बना है, गैस चमोली। अब आइए उत्तराखंड में हम बात करें, तो जो बात हम करने जा रहे हैं वो समझिए, उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है, एक जगह है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान, आर्यभट्ट, ठीक है ना, ट्रेनिंग एंड रिसर्च साइंस इंस्टीट्यूट है, जहां पर हमारी बहुत बड़ी वेधशाला है, वहां पर टेलीस्कोप लगा है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड एट नैनीताल इन द कैंपस ऑफ आर्यभट्ट
वेधशाला, इट्स लेंस इज मेड ऑफ मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी, इट इज द लार्जेस्ट मर्क्यूरी लिक्विड लेंस नोन एज वेधशाला जो है बना है. ऐसा ही हमें कनाडा में, ऐसा ही हमें चिली में भी है, लेकिन ये एशिया का लार्जेस्ट है टेलीस्कोप. एंड आई वुड लाइक टू बी से एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सुली स्टार्ट इन नवंबर मंथ विद द हेल्प ऑफ कनाडा एंड बेल्जियम. ठीक है, मतलब कनाडा, बेल्जियम और भारत, ये याद रखिएगा. तो इससे क्या हो गया, सीबीआई सेंट्रल, ठीक है, सीबीआई तो समझते हैं ना, सीबीआई मतलब हो गया सी फॉर कनाडा, आई फॉर इंडिया, बी फॉर बेल्जियम, तो सीबीआई, तो याद रखिएगा सीबीआई वैसे इंस्टीट्यूशन भी है. तो इन लोगों ने मिलकर बनाया है, 2012 से बन रहा है, अभी इनॉग्रेट हो जाएगा, 4 मीटर का लॉन्गेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है. ऐसा कनाडा में भी है और एक चिली में भी है, एशिया का ये जो है. और जब अपार्चर कहते हैं तो वो चाइना में है, अपार्चर गोल, और ये इस तरह से है. अब आइए, 10 करोड़ की लागत आई है, 2012 से 20 में जाके तैयार हो रहा है, 30 जून की बात करें. अब बेटा हमारे पास क्या है, 30 जून, 29 क्लियर हो गया, नाउ 30 जून. गॉड फरमाइंड, भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप भारत में प्रतिबंधित कर दिए और इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत बंद किया, और इस तरह से एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर अब ये डाउनलोड नहीं हो सकता और उस पर से वो हटा दिया जाएगा. भारत के भीतर एंड्रॉइड मोबाइल प्लेटफॉर्म पर और एप्पल जो iOS रखता है उस मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अब हमें ये 59 मोबाइल ऐप अवेलेबल नहीं होंगे, हम प्रोहिबिट कर दिए हैं, अब ये डाउनलोड नहीं होगा. 59, ये ऑल 59s जो मोबाइल ऐप हैं वो सब चाइना मेड है, तो सिक्योरिटी कंसर्न पे इसको किया गया है, पर इशारा हम और आप सब समझते हैं, इकोनॉमिक कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न टू प्रेशराइज द क्या कहते हैं चाइना इन द टेंशंस बिटवीन बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना. एंड यू नो दैट पहले कहते थे युद्ध एक कला है, सीधा तलवार लिए और लड़ने चले गए, युद्ध एक कला है, वॉर एज एन आर्ट, बट आज क्या है, युद्ध एक विज्ञान है, साइकोलॉजी से लड़ी जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी से, चीन हो, इंडिया हो, भारत हो, अमेरिका हो, रशिया, सब साइकोलॉजी से लड़ता है और साइंस के थ्रू ही लड़ता है, टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, नहीं, और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, प्रोपेगेंडा टेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल कंसर्न. सो टुडे इज वार नॉट जस्ट एन आर्ट. अगर आज तलवार लेके निकल जाए, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, भीम जीत जाऊंगा, आई एम सॉरी, नहीं कर सकते. टोटल का टोटल क्या है, साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है. ये याद रखिए, आज उसी तरह से हमने भी ऐप बंद किया, ये बंद किया, वो बंद किया, सब साइकोलॉजिकली वॉर चल रहा है. तो मैं ये कह रहा हूं, किस कानून के तहत ये 59 चाइनीज ऐप को भारत में प्रोहिबिट कर दिया गया 29 जून को. 27 जून को वो दौरा करते हैं नीमू, लेह, मिस्टर मोदी, और 29 जून को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए. और 28 जून को आप भी देखते हैं कि डोभाल साहब जो है मौजूद है, ये सब चीजें नहीं, डोभाल साहब जो है एक जुलाई को, एक और दो जुलाई के आसपास, या नहीं तीन जुलाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, तीन जुलाई को दौरा करते हैं और 5-6 तक में डोभाल का, और उसके बाद बंदिश शुरू हो जाती है. तो ये ध्यान में रखना है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69A. तो मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट 69A के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है. अब आगे सरकार ने, भारत सरकार ने
कोविड-19 से जुड़े कोवैक्सीन जो अंडर ट्रायल अंडर टेस्ट हमारा एक वैक्सीन है कोविड के लिए, तो कोवैक्सीन उसका नाम है, उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी भारत सरकार ने दे दी। क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है तो समझिए, सबसे पहले कोई भी वैक्सीन एंटीबॉडीज कोई दवा जब बनती है तो उसे सबसे पहले हम चूहों पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंसान और चूहों के जीन काफ़ी सिमिलर हैं, तो चूहों पर इस्तेमाल करने के बाद फिर उसका हम इस्तेमाल करते हैं रैबिट के ऊपर, खरगोश के ऊपर, फिर जब खरगोश के ऊपर करते हैं तो फिर मंकी के ऊपर, मंकी के बाद गिनी पिग, सुअर का जीन मनुष्य के जीन से काफ़ी मिलता जुलता है, तो गिनी पिग एक सुअर की प्रजाति है, गिनी में मिलता है तो वही, लेकिन अब बहुत जगह है तो गिनी पिग पर करते हैं। उसके बाद कहीं जरूरत हुआ तो चिंपांजी पर, चिंपांजी तो अब है नहीं इसलिए बंदर पर करते हैं, देन अब उसके बाद मनुष्य पे करते हैं, पर मनुष्य पे करते हैं तो किस पे, तो जो बीमार होता है उस पे, उसका स्वास्थ्य पे। अब मनुष्य पे जब करते हैं तो इसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल, अभी तक लैब में ट्रायल था, अब बाहर आके क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले हम 10 मरीजों पर करते हैं या 10 लोगों पर करते हैं, तो 10 मरीजों पर करते हैं, पहले उसको बीमारी देते हैं और फिर उसको एंटीवैक्सीन्स या दवा देते हैं ताकि एंटीबॉडीज मिट जाएं, ताकि ठीक वक्त नहीं पता करें, और अगर रेट 50% प्लस में जाता है तो फिर अब 10 की बजाय 100 लोगों के आसपास ये ट्रायल बढ़ाते हैं, और 100 लोगों के ट्रायल के बाद फिर 1000 प्लस लोगों पर ट्रायल करते हैं। जब 1000 प्लस लोगों पर ट्रायल करते हैं तो यस, पहले जो 10 लोग हैं उनको दो अलग अलग कम्युनिटी, जाति धर्म वगैरह या अलग अलग रीजन से निकाले, फिर 100 को डिफरेंट रीजन में निकालते हैं, 1200 को फिर डिफरेंट रीजन में, मेल फीमेल हर उम्र का, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, इस तरह का ट्रायल करते हैं। तो ये ट्रायल जो होता है, तो जब किसी पे ट्रायल करते हैं तो उसका परमिशन लेना जरूरी होता है, जो ट्रायल के लिए खुद रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और उसका इंश्योरेंस भी लाखों करोड़ों में होता है कि अगर आप गुजर गए तो, और एक प्रॉमिस लेटर भरना होता है, ऐसे नहीं फ्री में किसी पर ट्रायल कर दिया। लेकिन डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए फ्री में ही, पेशेंट को पता ही नहीं है, उस पर ट्रायल कर देते, भले पेशेंट मर गया लेकिन दवा हो गया, और दवा कंपनियों से, एक क्लिनिकल रिसर्च करने वाली कंपनियों से डॉक्टर अच्छा खासा पैसा लाखों लाख रख लेता है, ये भी हकीकत है, बहुत गोरख धंधा है। तो ये है, तो क्लिनिकल ट्रायल की ऑर्डर दिया कि यानी अब 10, 100 और 1000 लोगों पर ट्रायल होगा, एंड विल टेक टाइम, 14 दिन का तो क्वारंटाइन होता है, 10 दिन में तो लक्षण उभरते हैं, 14 दिन में लक्षण जाते हैं, तो मतलब 25 से 26 दिन, तो एक ट्रायल अगर आप 10 का करते हैं तो यू हैव टू बी वेट एटलीस्ट 20 to 25 days, देन यू हैव टू बी गो अहेड अगेन फिर 1 month and 1 month। इन दैट रिस्पेक्ट अभी दिया है उन्होंने तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर से पहले आपको कोई चांस है, इट इज़ ए प्रेशर टू बी 15 अगस्त तक हो जाएगा तैयार, झूठी सी बात है, सेप्टेम्बर से पहले कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा, हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज पर 10 लोग, सेकंड स्टेज पर 100 लोग, थर्ड स्टेज पर मोर देन 100 पीपल को दिया जाता है। बिफोर दिस 3 स्टेज लैब में रैट, रैबिट, मंकी, गिनी पिग, चिंपांजी, इन सब पे ट्रायल किया जा चुका था, तब ह्यूमन ट्रायल पर आता है, नोन एज क्लिनिकल ट्रायल। पॉइंट क्लियर? अब आ गया है। हम बात कर रहे हैं जो कोविड-19 मेडिसिन है, रेमडेसिविर और केवीपिरावर, तो केवीपिरावर और रेमडेसिविर, ये अमेरिका ने दो दवा बनाई है जो काफ़ी चल रहा है अच्छा इन कोविड-19 पेशेंट के लिए, और ये कामयाब हो रहा है, ये दवा है, पर हमें जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब लाठी मार के हम एक बदमाश भैंस को भगा सकते हैं, लेकिन अगर भैंस को जब नकेल दे दे तो वो कंट्रोल में आ जाता, तो वैक्सीन से टोटल कंट्रोल होता है, एंटी वैक्सीन होता है ना, कंट्रोल होता है। तो ये चीज़ है, ये दवा भारत में खेप आई लेकिन कहाँ गुम हो गई, या इतने डिमांड और कहाँ घुस गई कि ये 2000 की दवा 8000 में बिक रही है, 500-700 की दवा 4000 में बिक रही है और मिल ही नहीं रहा है, ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्ट इन महाराष्ट्र बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो चुका है कोविड पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसके ब्लड का प्लाज्मा ले करके हम किसी और पेशेंट में वो प्लाज्मा इंजेक्ट करें तो वो ठीक होने लगता है, क्योंकि उस प्लाज्मा में
एंटीबॉडीज आ चुका होता है, तभी तो वो पेशेंट ठीक हुआ। तो जैसे मान लेते हैं कि एक मैं हूं, मुझे कोविड हुआ और मैं अब ठीक हूं, तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हुआ और ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड टिश्यू है, तो उसमें डेवलप हुआ। और ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होती है, और आप भी जानते हैं वाटर होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, सो मेनी थिंग्स, और ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, आयरन तो होता ही, ये सब होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, बहुत सारे तरल पदार्थ में ये भी होता है। तो अब हमारा खून से प्लाज्मा को फिल्टर कर लेगा और वो प्लाज्मा येलो द्रव जो होता है उसको फिर लिक्विड है, टिश्यू है, प्लाज्मा टिश्यू है, और उसको इंजेक्ट कर देगा पेशेंट जो है कोविड का। तो उसका जो लंग्स है अच्छा काम करेगा और वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अब वो ठीक होगा तो फिर उसका भी प्लाज्मा लेके तैयार। तो जो लोग ठीक हो चुके हैं उसका प्लाज्मा अगर डोनेट करते हैं वो, तो उससे कई पेशेंट को जल्दी ठीक हो जाएंगे। और तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, दैट्स इट्स मीनिंग। पर ये तो हुआ, अब दिल्ली सरकार ने क्या किया, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एस्टैब्लिश्ड कर दिया, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एस्टैब्लिश्ड कर दिया दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिए, तो प्लाज्मा बैंक में क्या होता है, जो भी पेशेंट ठीक हो चुका है, 14 डे क्वारंटाइन में रहा और ठीक हो चुका है या मेडिसिन लिया ठीक हो चुका है, तो वो आ सकता है। उम्र इसकी जो होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, स्वस्थ हो, वगैरह वगैरह हो, सब कुछ हो, और वो आए प्लाज्मा डोनेट करें। तो क्या होता है कि ब्लड तो निकालते हैं और मशीन से प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है, रेस्ट ऑफ ब्लड फिर से उसी के बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये प्लाज्मा लेकर के फिर इस तरह से लाए, तो वहां पर बैंक है, वहां रखा जाएगा, जिसको जरूरत हो ले जाएगा इन फ्यूचर में। तो इसको कहते हैं प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा बैंक, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट इन दिल्ली। अब कहां वो आ गया बता देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे बॉडी में 55% जो है वो हमारा प्लाज्मा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे बॉडी के टोटल ब्लड का 55% जो पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा है। समझ में आ गई बात, ध्यान रखना है। अब जो हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, 27 जुलाई 2020 सिक्स राफेल कमिंग टू इंडिया एट अंबाला कैंट, यानी हमने जो राफेल 6 एक तो आ गया और बाकी जो आना है, तो कहने का मतलब ये सभी विमान जो है 6 राफेल भारत को जो मिलने वाला था बहुत पहले मार्च में ही, डिले होकर वो सितंबर में मिलना था, लेकिन युद्ध की जो आशंका बढ़ गई इसकी वजह से ये अब 27 जुलाई को 6 राफेल फ्रांस के डसाल्ट से चल करके उड़ करके भारत आएगा, और इसकी तैनाती अंबाला मिलिट्री डिफेंस जो हमारा है एयरफोर्स का अंबाला कैंट वहां होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अब आइए, सिंस 1 जुलाई 2020 ऑटो डेबिट रीस्टार्ट इन अटल पेंशन योजना आफ्टर 3 मंथ्स लेटर। बेटा अप्रैल में जून तक में जो देखते हैं जो अटल पेंशन योजना है उसका जो छूट मिला था, तो अब वो 1 जुलाई से ऑटोमेटिकली आपके खाते से ₹360 असल पेंशन योजना निकल जाएगा। ये चीज है। फिर है आपका, अब 1 जुलाई से कोई भी अपना स्टार्टअप एमएसई का करना चाहता है, कोई न्यू कंपनी ओपन करना चाहता है, तो उसे कोई डाटा सरकार को दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाइए और अपना आधार कार्ड को शेयर कर दीजिए और आप जाके कंपनी खोल लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में होता रहेगा। तो अब कंपनी खोलना इतना आसान है कि अपना आधार कार्ड दिखा के कंपनी एस्टैब्लिश्ड कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। नो नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द ऑनलाइन अपलोड, नो नीड, इट विल बी लेटर ऑन। 10,000 लोन जो एमएसएमई के जुड़े लोग थे, जो रेहरी वाले, पटरी वाले, खमोचे वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग जो कोविड से त्रस्त हुए हैं, उनको जो है 10,000 तक का लोन देने की शुरुआत 1 जुलाई से हो गई है। रजिस्ट्रेशन करवाइए, लोन लीजिए। तो ये चीज है। मिनिमम बैलेंस इन अकाउंट मेंटेन करना 1 जुलाई से फिर जरूरी हो गया है।
क्योंकि मिनिमम अकाउंट मिनिमम बैलेंस अगर आपके अकाउंट में नहीं रहेगा बैंक अकाउंट में तो आपको एक चार्ज कटेगा, ये चीजें हैं। जीरो रहेगा तो चार्ज नहीं कटेगा ऐसा नहीं है, चार्ज कटेगा लेकिन जैसे ही आप इसको फिर फीड करेंगे वो चार्ज कट के रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर आइए 30 जून 1947 को देखते हैं, बॉर्डर कमीशन सेटअप टू डिवाइड इंडिया पाकिस्तान एंड स्केच स्क्रेच द बॉर्डर बिटवीन दैट। कहने का मतलब 30 जून 1947 को इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए बॉर्डर कमीशन हुआ था, जो रेड क्लिफ थे वो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे और उनको कहा गया क्या, 2 महीने में सारा काम कर दीजिए, यानी 30 जून, तो जुलाई अगस्त 1.5 महीना भी नहीं ढंग से। ये चीज अब है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम थर्ड स्टेज गोइंग टू बी स्टार्ट। तो स्किल डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज 2015 में शुरू हुआ था भारत सरकार का, 2016 में दूसरा फेज था, 2020 में तीसरा फेज स्किल डेवलपमेंट का शुरू होने जा रहा है, यानी कौशल विकास कार्यक्रम का थर्ड स्टेज 2020 गोइंग टू बी स्टार्ट। अब आइए 30 जून 2020 इंडियाज एंड चाइना थर्ड डायलॉग्स लेफ्टिनेंट जनरल लेवल गोइंग ऑन। 30 जून को ही भारत और चीन के सेनाओं के बीच का लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का टॉक शुरू हुआ। पहला टॉक 6 जून को हुआ था, दूसरा टॉक 22 जून को हुआ था और तीसरा वार्तालाप जो है वो आपका 30 जून को हुआ। हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो हैं वो और उधर से जो भी हों याद कर लेंगे। और ये चुशूल में हुआ, तीसरा वाला भारत की तरफ के गलवान घाटी के चुशूल में टॉक हुआ, बाकी जो दो थे वो मोल्डो था, जो चीन के एरिया के मोल्डो में टॉक हुआ था। तो ये चीजें हैं, तो याद रखिएगा इंडिया भूटान 6। अच्छा चलिए यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, अच्छा 2 मिनट्स और टाइम है। इंडिया भूटान 600 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कोलाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंक्ड बिटवीन इंडिया फ्रॉम इंडिया साइड एस जयशंकर आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड फ्रॉम भूटान साइड टांडी दोरजी फॉरेन मिनिस्टर्स। कहने का मतलब है भारत और भूटान के बीच अभी 29 जून को 600 मेगावाट का एक जल विद्युत परियोजना को लेकर आपस में हस्ताक्षर हुए, साइन हुए। इस परियोजना का नाम है खोलांगचू रिवर प्रोजेक्ट, खोलांगचू रिवर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का, जो भूटान और भारत के बीच का यह हस्ताक्षर हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अब है जम्मू एंड कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे सैयद अली शाह गिलानी, जिन्होंने ही 2003 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, उन्होंने रिजाइन दे दिया। ये तो जेल में रहे, जेल से अभी उनको छोड़ा गया और पूरा हिसाब किताब कर दिया गया था उनका, उन्होंने रिजाइन दे दिया। ये कहते हैं एक्चुअली समस्या क्या, अब इनकी कोई सुनता नहीं है और जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है, तो राजनीति बदलेगी, उद्देश्य बदलेगा। अब ये जितना जुड़ के रहेंगे उतना ये लोग पॉलिटिकली फायदा उठाएंगे, जुड़ के नहीं अगर विरोध में रहेंगे तो उतना मारे जाएंगे। और POK पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो इसके ब्रांच थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, वो इनकी बात ही नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चलते और वहां के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के सत्ता का सुख लेने की स्थिति में वहां पर चुनाव में लड़ने के लिए, और ये सत्ता के विरोध में होते हैं, सत्ता तो लड़नी ही नहीं है। तो इन सब से इनकी स्थिति हो गई बदतर और हम लोगों ने कर दिया और भी बदतर, तो ये रिजाइन दे दिए, समझाए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद गिलानी। तो आज हम इतना ही रखें और कल हम आगे बात करेंगे, तो ज्यादा नहीं, 2-4 सवाल 30 जून का है कर लेंगे। कल 1 जुलाई 2000 मैं फिर 1 से लेकर 7 जुलाई तक का PDF आज रात तक भेज दूंगा और वो PDF पढ़ लीजिएगा और कल से 1 जुलाई की तैयारी करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, एडवांस में। एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच, ओके।